हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज जो है हम फर्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे पेड ग्रुप के लिए। जो भी बच्चे सीएस का फुल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये जो है फर्स्ट क्लास है, और ये जो है आप एज ए डेमो क्लास भी ले सकते हो। यानी कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम डेमो दे दो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सीएस के डेमो की जरूरत है, लेकिन फिर भी जो है मैं इस क्लास को जो है सबके लिए पब्लिक कर दूंगी। अदरवाइज जो है बाकी जो बच्चे कोर्स लेते हैं उनके लिए क्लास जो है वो चलती रहेंगी, ठीक है। तो अपनी आज की जो क्लास है उसके अंदर हम कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। वैसे तो कंप्यूटर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी दिलाती हूँ कि जब आप ये वाली क्लास खत्म करोगे ना, तो आपको जो कंप्यूटर को जो देखने का नजरिया है ना, वही आपका बिल्कुल अलग होगा, है ना। तो चलिए अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, है ना। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कंप्यूटर का। तो सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है वो किस लिए आया, है ना। कंप्यूटर जो है वो क्यों बना, कब बना, किसने बनाया, किस पर्पज से बनाया। तो कंप्यूटर का जो वर्ड है ना वो कंप्यूट वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है भाई? कंप्यूट वर्ड से बना है। और कंप्यूट का जो अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका जो मतलब होता है वो होता है गणना करना। क्या करना? गणना। गणना मतलब कैलकुलेशन। क्या? कैलकुलेशन, ठीक है। और ये किस भाषा से निकला है? ग्रीक। किस भाषा से निकला है? ग्रीक भाषा का शब्द आप बता सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो कंप्यूट है वो कौन सी भाषा से है। तो ग्रीक भाषा से है। ग्रीक का जो कंप्यूट का जो मतलब है वो कैलकुलेशन के लिए है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में जब आप कंप्यूटर आए ना, मतलब ऐसे नहीं थे कि जो आप अभी अगर आप मैं कंप्यूटर का नाम लूं तो हमारे दिमाग में आता है कि छोटा सा टैबलेट लिया, कहीं पर भी आते जाते हैं, अपने पिट्ठू बैग में डाला और कहीं पर भी लेके चले गए, अपना काम फिनिश कर लिया, ठीक है। लेकिन जो पहले वाले कंप्यूटर होते थे ना, वो क्या होता था कि इतने बड़े बड़े रूम जैसे होते थे और सबके पास जो है पॉसिबल नहीं था, है ना। किसी के पास होते थे और इतने बड़े बड़े कंप्यूटर की जो इमेज है, इमेजिनेशन थी, इतना बड़ा कंप्यूटर है, किस तरीके से वर्क होगा, बहुत सारी चीजें होती थी, तब जाके काम होता था, ठीक है। तो वही चीजें होती थी। अब तो जो है डे बाय डे जो है इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। तो अब तो सीधा अगर कंप्यूटर का नाम ले तो सीधा आपके माइंड में आता है लैपटॉप। फटाफट बैग में डाला, कहीं पर भी लेके चले गए और काम हो गया, है ना। या फिर आप डेस्कटॉप लगा सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर लगा सकते हो। तो कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन है जिसको हम बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल बच्चे से हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक जो है मशीन है, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है, है ना। तो ये पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब मशीन क्या होता है, है ना। मशीन क्या होता है भाई? सीधी से अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि मशीन क्या करती है, मशीन आपके कोई भी काम को क्या करती है? आसान बना देती है। मशीन की सिंपल डेफिनेशन यही है। 3D मूवी में भी आपने देखा होगा कि मशीन की जो है कोई भी काम जिसको करने से हमें जो है इजी बन जाए, यानी कि जिसके पीछे भी मशीन, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, हम जैसे कपड़े धोते हैं, पहले हाथ से, मतलब हाथ से धोते थे, अब मोस्टली हर घर में जो है आपको वॉशिंग मशीन दिख जाएगी। तो जो है जो आपके काम को आसान बना दे, है ना। अब क्या कहते हैं, रोटी बनाने के लिए भी मशीन आ गई है, बहुत सारी चीजों के लिए, आटा लगाने के लिए भी मशीन आ गई, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो जिनके पीछे मशीन लग जाए, ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी बिजली से ही चलती हो, लेकिन जिनके पीछे मशीन लग जाए, है ना, तो वो भी जो है आपके काम को आसान बना। जैसे चॉपर, सब्जी काटने के लिए हाथ से काटने के लिए टाइम लगता है, फटाफट चॉपर से हमने फटाफट कट कर दिया, है ना। तो वही सारी चीजें जो है वो क्या है? एक तरीके की मशीन। तो मशीन क्या हुआ? जो आपके काम को आसान बना दी। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाला। लेकिन स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया ना, तो ऐसा नहीं था, बहुत लंबे टाइम के बाद जाके जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लो कि कंप्यूटर का जो वर्क था वो क्या था, कंप्यूटर का जो काम था वो क्या था, मतलब जो कंप्यूटर से हम काम करते हैं वो क्या करते हैं भाई, क्या काम करते हैं भाई कंप्यूटर से हम, कोई बताएगा? हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गई हूँ। जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, भैया पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसे फील करो कि जैसे मैं आपको एज अ आप जो है किसी वहीं पर आकर मुझसे पढ़ रहे हो, बिल्कुल सामने बैठे हो, मैं सामने आपको पढ़ा रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि जैसे हम जो है बिल्कुल ऐसे इंट्रैक्शन के साथ पढ़ रहे हैं। पेन कॉपी लो, नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाओगे ना तभी आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो है मैं आपको पीपीटी, जो भी हमारा एशर्ट वाला ग्रुप है उसमें जो है मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगी। 60 to 70 पेजेस की है
और इस 60 से 70 पेजेस में आपको ये लगा लो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर भी है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर की जनरेशन भी मिल जाएंगी, उसके बाद जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाएगा, आपको एमएस वर्ड भी मिल जाएगा, एक्सेल भी मिल जाएगा, पावर पॉइंट भी मिल जाएगा, कंप्यूटर वायरस भी मिल जाएंगे, एंड जो है कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपको वो भी मिल जाएगा। इस 60 to 70 पेजेस में आप ये लगा लो कि डायरेक्ट जो है 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्लास खत्म होगी तो मैं जो है आप लोगों को ये पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, हम थे कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है भाई, सबको पता है, सीधी सीधी डेफिनेशन बताते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है ना, ये चीजें होती हैं। ये आपकी इनपुट हो गई, ये आपके बीच में प्रोसेसिंग हो गई, दैट इज सीपीयू, जिसको आप प्रोसेसर कहते हो, है ना। सीपीयू को आप क्या कहोगे, ब्रेन भी कहते हो ना, ये आपका आउटपुट हो गया, है ना। तो ये आपकी इनपुट है, ये आपकी आउटपुट है, और बीच में जो है आपका प्रोसेसिंग है, यानी कि प्रोसेस करने के लिए लगा हुआ है। अब इस सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आता है, ये वाली क्लास ऐसी होनी चाहिए जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है 5-6 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में करवा रही हूँ, और साथ के साथ जो है आपको कंप्यूटर को बिल्कुल ऐसे समझ जाओ कि भैया कंप्यूटर इतना आसान था, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। तो हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पर ALU होता है, आपकी जो है कंट्रोल यूनिट होती है, रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि आप इसको सीधा मेमोरी बोल दो, है ना, मेमोरी ही होती है, ये मेमोरी हो गई। तो जब आप इनपुट देते हो, लाइक मगर मुझे इनपुट देना है, मुझे कुछ प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, या फिर कुछ आपस में जो है कंपैरिजन करवाना है, तो जो इनपुट है वो कहाँ पर जाएगी, जो प्रोसेसर है वो किसको देगा, वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को देगा। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अर्थ। साथ के साथ नोट डाउन करते चलो भाई, मेरी बस आप लोगों से यही है रिक्वेस्ट, जिन बच्चों ने ले रखा है उन बच्चों का मेरा बस एक ही टारगेट है कि उनको 50 प्लस मार्क्स जो है वो आने हैं, 50 प्लस क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए हुए जो है आएंगे, ठीक है। अब देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये, और ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अब यहाँ से लाइक मैंने सपोज करो कि मैंने प्लस ही करवा दिया, ठीक है, हमें मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, यहाँ पर मैंने 18+4 करवाना है, ठीक है। अब 18+4 करवाना है तो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू देखेगा भाई ये जो काम है वो मैं किसको दूं, है ना। तो ये काम जो है वो किसको देगा, ALU का, क्योंकि ये काम इसी का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, जितनी भी लॉजिकल है, वो सारा काम करता है आपका ALU, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है अर्थमेटिक लॉजिकल काम जो है आप किससे करवाते हो, ALU से करवाते हो, फुल फॉर्म भी आती है इसकी। हाँ, इतने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब मैंने 18+4 करवाया, सीपीयू के पास दिया, सीपीयू ने ALU को दिया और बोला कि भैया अब तू ये काम कर, ठीक है, जब ये 22 आ जाएगा तो हमें क्या है आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे कोई जो है मूवी डाउनलोड करनी है, कोई पीडीएफ सेव करनी है, या कुछ और काम करना है, तो भैया जब मुझे लाइक मूवी डाउनलोड करना है, या फिर मुझे कोई पीडीएफ सेव करनी है, लाइक हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट दिख गया, हमें अपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो वो वाला काम जो है प्रोसेसर किसको देगा, मेमोरी को देगा, किसको देगा, मेमोरी को देगा, ठीक है। तो ये वाला जो है सेव करके हमें दे देगा, जब इन फ्यूचर जब हम उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो जो है वो हमें यहाँ पर एज आउटपुट हमें दिख जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जो जितने भी जो सीपीयू के पास जाते हैं, कौन सा सही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सारा काम होता है आपका कंट्रोल यूनिट का, किसका होता है भाई, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। तो ये क्लियर है, सबसे पहले होता है सीपीयू के तीन मेजर कंपोनेंट हो गए, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी ना दिखे तो आपको रजिस्टर मिलेगा, रजिस्टर ना मिले तो आपको मेमोरी मिलेगी, क्लियर है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट है आपके सीपीयू के, आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला, बीच में ये सारी जो है प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्यूटर का जो काम है वो क्लियर है, कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आगे देखो पूरा कंप्यूटर देखने वाले हैं, तो कंप्यूटर की एक एक चीज जो है आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब देखो कंप्यूटर को आपने किस किस उसमें डिवाइड किया है, कंप्यूटर को आप किस किस में डिवाइड कर सकते हो, किस किस पार्ट में डिवाइडेड है कंप्यूटर के पार्ट, है ना, सॉरी कंप्यूटर को आपने किस में डिवाइड किया है, हार्डवेयर डिवाइसेस में, ठीक है, और इसको सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में,
डिवाइस में, इसको जो है सॉफ्टवेयर डिवाइस में, ठीक है। मेनली जब भी आप पढ़ते हो कंप्यूटर डिवाइसेस को आपने किसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यही दिखाते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर को क्या कहोगे, जिसको भी आप टच कर सको, ठीक है, जो टचेबल होते हैं ना, जिसको भी आप छू सकते हो। अब क्या हो गया, आप जो है कीबोर्ड को छू सकते हो, माउस को छू सकते हो, ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं लाइक जॉयस्टिक हो गई, MICR आया, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर हो गया, उसके बाद जो है बाकी जो जितनी भी चीजें हैं जिनको भी आप जो है छू सकते हो, यानी कि जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सबको पता है ना भैया क्या क्या होते हैं, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए उनको जो जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप बिल्कुल टच कर सकते हो, तो वो सारे जो हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, हार्डवेयर डिवाइसेस में, ठीक है। अब आ जाओ सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं, अनटचेबल होते हैं, जिनको जो है आप टच नहीं कर सकते हो, जिनको आप छू नहीं सकते हो, बिना सॉफ्टवेयर के आप कोई काम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई अगर आपके जो है, अगर आपके कंप्यूटर में अडोब रीडर नहीं है तो आप कोई भी PDF फाइल डाउनलोड भी कर लो लेकिन वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना। जितने भी आप काम कर रहे हो, जितना भी आप कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज के लिए हर एक जो है सॉफ्टवेयर होता है, कोई फ्री होता है तो कोई पेड होता है ना। तो जो है सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जितने भी आपके कंप्यूटर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो आज के टाइम पे, तो ये तो आपको पता ही होगा, सारे सॉफ्टवेयर आपको पता है। तो जो है सॉफ्टवेयर जो है वो इनको हम छू नहीं सकते हैं, और जो आपके हार्डवेयर होते हैं उनको जो है हम छू सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब आ जाओ एक चीज पे, हाँ जी, अब देखो डेटा, डेटा क्या होता है, डेटा क्या होगा भाई, डेटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन सबके डेफिनेशन देख लो, क्योंकि एग्जाम में आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। डेटा क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ रो, फैक्ट्स एंड फिगर, जो भी आप कलेक्शन करते हो, जिसका भी आप कलेक्शन करते हो, जो भी आपके पास है वो आपका क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है, जिसको आप एज ए इनपुट देते हो। इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जो है आप एज ए जो है न्यूज़पेपर से कहीं से कलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप कहीं से पढ़कर कर रहे हो, या आप कहीं से सुनकर कर रहे हो, कई जगह फैक्ट देखकर कर रहे हो, तो ये जो है आपकी क्या आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन की डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, एग्जाम में कई बार आ भी जाती है, तो इंस्ट्रक्शन होता है आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्या बोलोगे भाई इंस्ट्रक्शन को, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो भी होगा उसको आप, जो भी आप स्टेप बाय, यानी कि एक एक चीज के बाद जो है काम कर रहे हो, लाइक मुझे चाय बनानी है, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, चाय बनानी है और मुझे नहीं आती है, या फिर मैं किसी और को बता रही हूँ कि चाय बनानी है और उसको नहीं आती है, तो भैया मैं अगर उस टाइम पे कुछ और काम कर रही हूँ और मैं नहीं बना सकती, तो मैं उसको कहूंगी कि भाई इतना जो है एक गिलास पानी चढ़ा दो, एक गिलास पानी में जो है 2 चम्मच चीनी डाल दो, इतनी सी जो है पत्ती डाल दो, उसके बाद थोड़ी सी अदरक डाल दो, ठीक है, उसके बाद जो है जब वो उबल जाए, धीरे धीरे उबल जाए, तो उसमें जो है दूध डाल दो, दूध डालने के बाद जब उसमें 2-4 उबाल आ जाए, देन जो है आप उसको छान दो। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने पहले बोला कि पानी दे दो, मतलब पानी डालो, ठीक है, एक गिलास पानी लो, उसके बाद मैंने बोला चीनी दो, चीनी डालो, फिर मैंने कहा कि पत्ती डालो, फिर मैंने कहा अदरक डालो, तो मैं क्या दे रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस इंस्ट्रक्शन ही तो दे रही हूँ, कि स्टेप बाय स्टेप जो भी काम कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप जो भी वो प्रोसीजर कर रहा है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन ही तो हो गई, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ना चाय बनाने की, ठीक है, तो यही होता है आपका इंस्ट्रक्शन, क्लियर है। हाँ जी, अब आ जाओ प्रोग्राम को, प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब इन जो इंस्ट्रक्शन का जब ग्रुप बन जाता है, जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर हुआ उन सबका जो है इंस्ट्रक्शन जो भी इकट्ठी हो गई उनका जो ग्रुप बन गया है ना, ग्रुप बन गया, तो आप उसको क्या कहोगे, प्रोग्राम, उसको आप क्या कहोगे, प्रोग्राम, ठीक है। अब आ जाओ सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर हो जाता है कि जो सेम टाइप के जो प्रोसेस जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनका कलेक्शन, ठीक है, सेम टाइप के जो प्रोग्राम होंगे जब आप उनको कलेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो उनका जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या हो जाएगा,
सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो है एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको जो है इनका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये छोटे छोटे बेसिक चीजें नहीं पता तो फिर आगे जो है आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक ये क्लियर है। अब आगे देखो, हाँ जी, अब आगे देखो, अब हमने देख लिया कंप्यूटर काम कैसे क्या करता है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के हमने किस कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखो कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। अब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाएगा, चार्ल्स बेबेज को, किसको कहा जाएगा, चार्ल्स बेबेज को, है ना। अब चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि जो है इन्होंने क्या किया था 1822 में, इन्होंने 1822 में क्या किया था, एनालिटिकल इंजन का, क्या किया था, इन्वेंशन किया था, किसका इंजन किया था, एनालिटिक इंजन का इन्वेंशन किया था, ठीक है। लेकिन जो है जरूरी नहीं है कि हम कोई काम करें वो सक्सेसफुल हो, है ना। जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई बहुत अच्छे से हो जाता है फर्स्ट टाइम में, और कई बार क्या होता है कि हमें जो है उस काम से हमें जो है मतलब वो काम नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, हमें जो है उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो जो ये एनालिटिकल इंजन था इसने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया, है ना, प्रॉपर वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया भाई, फेल हो गया, है ना। लेकिन जो हमारे चार्ल्स बेबेज थे ना, उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने सोचे कोई बात नहीं, ये फेल हो गया है, लेकिन जो है आगे जो है मैं और काम करूंगा, और जो है इसको इससे बेटर जो है कुछ करूंगा। क्योंकि जैसे हमारा, अगर मैं कहूँ, हम अपने रियल लाइफ में आ जाते हैं, लाइक अभी आप एस्टेट का एग्जाम दोगे, एस्टेट का एग्जाम अगर फर्स्ट टाइम में नहीं होता, दैट्स मीन ये नहीं है कि आप सारी चीजों को छोड़ जाओ, हर चीज को भूल जाओ कि भैया नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा तो मैं जो है आगे नहीं दूंगा, है ना। कि क्या पता जो है आप उससे कुछ बेटर कर जाओ, सेंट्रल जॉब जो है आप डायरेक्ट मिल जाए, यानी कि नेक्स्ट टाइम जो है आपने एस्टेट का दिया, एस्टेट नहीं हुआ, आपने जो है उस टाइम उसके बाद किसी और का दिया और आपका वहां पर हो गया, है ना। क्योंकि किस्मत जो है नहीं पता चलता अगर, लेकिन आपको जो है मेहनत जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पेन कॉपी ले रखे हैं ना, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि बिना नोट्स के भैया ये जो नोट्स है ना आप बनाते चलोगे तो आपको एक एज अ थ्योरी जो है याद होती रहेगी। तो इसने सोचा कि क्या हो गया भाई, मैं फेल हो गया तो, लेकिन मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से करूंगा, जैसे हम लोग करते हैं, है ना, जो हार नहीं मानता वही जो है एक दिन कुछ इतिहास रचता है, तो आपने सुना ही होगा। हाँ जी, अब आ जाओ, यहीं पर लिख देती हूँ आपको पता चले, 1822 में इसने एनालिटिकल इंजन बनाया, लेकिन इसने प्रॉपर वर्क नहीं किया और ये फेल हो गया, लेकिन जो हमारे चार्ल्स बेबेज जी थे उन्होंने हार नहीं मानी, और तभी जो है हार नहीं मानी तभी उन्होंने इतिहास रखा, और आज जो है इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, है ना। हाँ जी, अब 1837 आया और इन्होंने बनाया डिफरेंस, कौन सा इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन बनाया, है ना। इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहां से ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। हाँ जी, कौन सा इंजन बनाया, डिफेंस इंजन बनाया, और ये जो है काफी अच्छे से इसने वर्क किया। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, इसी में जो है फर्स्ट टाइम जो है हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम जो है प्रोग्राम को रन करवाया था, है ना। और जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी हमारी कौन थी भाई, लेडी एडा स्पेलिंग देखना, लेविस अगस्ता, स्पेलिंग देख लेना गलत हो सकती है, अपना चेक कर लेना, ठीक है, अगस्ता, लेडी एडा लेविस अगस्ता, इन्होंने 1942 में जो है इसी जो है इसी जो इन्होंने बनाया था कंप्यूटर, इसी में अपना क्या किया था, फर्स्ट प्रोग्राम दिया था, है ना, फर्स्ट प्रोग्राम दिया था। तो जब इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम दिया तो देखो उस टाइम पे इनपुट आउटपुट तो होती नहीं थी, है ना, इनपुट आउटपुट का कुछ फंडा नहीं था, तो इन्होंने जो है एज ए इनपुट जो है किस तरीके से इन्होंने इनपुट दी भाई, पंच कार्ड के थ्रू, किस तरीके से इनपुट दी भाई, पंच कार्ड के थ्रू इन्होंने इनपुट दी, ठीक है, किसके थ्रू इनपुट दी, पंच कार्ड के थ्रू इनपुट दी। पंच कार्ड किस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से आपको पंच कार्ड दिखते हैं,
और पंच कार्ड के थ्रू इन्होंने इनपुट दी और फर्स्ट टाइम जो है इसी में हमने जो है अपना पहला प्रोग्राम जो है रन किया था। ठीक है, क्लियर है सबको। और इसी को जो है हम आज क्या कहते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि पहले कंप्यूटर के साइज अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन जो है इन्हीं चीजों से इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि जब चीजों की शुरुआत ही नहीं होगी वो फिर बाद में चीजें कैसे बनेंगी, है ना। पहले कुछ होता है बाद में कुछ होता है, ये हर जो है परिवार में भी होता है कि जब हमारे दादा परदादा होते थे उनके पास कुछ था, फिर उसके बाद कुछ और उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, फिर दूसरी पीढ़ी ने कुछ और इम्प्रूवमेंट किया, तो ऐसे ही जो है ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी जो है इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट होते गए हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है भाई, क्लियर है। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो किसने दिया, लेडी एडा लेनिस ने दिया 1942 में, और किसके थ्रू इनपुट दी, पंच कार्ड के थ्रू, और ये वाली जो चीज थी डिफरेंस इंजन में ये वाला प्रोसेस आ गया था आपका इनपुट का प्रोसेस का और आउटपुट का, ये वाला फंडामेंटल आ गया था, और इनपुट जो है वो आपने किसके थ्रू दी थी भाई, पंच कार्ड के थ्रू दी थी, और हमने जो है पहला प्रोग्राम इसके अंदर रन किया था। क्लियर है भाई, ये वाली चीज क्लियर है, और इसी के बेस पे अभी हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो काम कर रहा है। क्लियर है भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। हाँ जी, आगे देखो, अब आ जाओ भाई, आपकी जो मशीनी भाषा है ना, जो हमारी कंप्यूटिंग जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है भाई, कौन सी है भाई, बाइनरी लैंग्वेज, है ना, बाइनरी लैंग्वेज कौन सी फॉर्म होती है भाई, बाइनरी लैंग्वेज हमारी कौन सी फॉर्म होगी, फटाफट बताओ, जीरो और वन की, कौन सी फॉर्म होगी भाई, जीरो और वन की होगी। हाँ जी, जीरो वन की जो है फॉर्म है, बाइनरी लैंग्वेज है, और बाइनरी लैंग्वेज को इन्वेंट किसने किया था, कोई तो होगा ना जिसने बाइनरी नंबर को भी इन्वेंशन किया है, बाइनरी नंबर ही लिखो यहाँ पे, बाइनरी लैंग्वेज नहीं होती, मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज होती है, और मशीन लैंग्वेज किस पे बेस होती है, जीरो वन पे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार बाइनरी नंबर को किसने इन्वेंट किया भी, कि कुछ ऐसे होते हैं जीरो और वन, जीरो वन को जो है हम एज ए इनपुट आउटपुट यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर में इनका यूज किया जा सकता है, तो ये जो है वो किसने किया था भाई, कोई नाम बताएगा, कोई नाम बताएगा, गोट फ्राइड लिप नीज ने, है ना, स्पेलिंग देख लेना भाई, बाइनरी नंबर का इन्वेंशन किसने किया, गॉटफ्राइड लिबनीज़ ने किया था, क्यों, मतलब क्यों, क्या बाइनरी नंबर, हम बाइनरी नंबर की वजह से ही हम जो है ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर आए तभी जो है कंप्यूटर को हम मशीन लैंग्वेज देना सीखे, मतलब मशीन लैंग्वेज के थ्रू इनपुट देना सीखे, आउटपुट हमें पहले मशीन लैंग्वेज के थ्रू ही मिलती थी, फिर बाद में जो है फिर धीरे धीरे जो है हाई लैंग्वेज आई, फिर उसके बाद सॉरी मशीन लैंग्वेज के बाद आपकी असेंबली लैंग्वेज आई, असेंबली के बाद आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आई, ताकि जो है जो ह्यूमन बींग है वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि हर कोई मशीन लैंग्वेज जाने ऐसा जरूरी नहीं है, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, वो तो हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता नहीं है, तो यही सारी चीजें आई जो हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है भाई बाइनरी नंबर का। अब देखो, अब एक और चीज आई, कब आई, 1854 में, कब आई, 1854 में, यहाँ पर तो सिर्फ गॉटफ्राइड लीबनीज़ सिर्फ यही इन्वेंट करवाया था कि जीरो और वन जो है होता है, लेकिन जो है आप लोगों ने देखा हो, मैंने आपको नंबर सिस्टम करवाया था, वहां पर जो है हमने बाइनरी कन्वर्जन देखे थे कि हम बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं, मतलब उनको ऐड भी किया सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, उनकी जो है कैलकुलेशन की जाती है ना, तो बाइनरी की जो कैलकुलेशन है ना, बाइनरी की जो कैलकुलेशन है, और जिसके अंदर जो है वोल्टेज का कंसेप्ट आया आपका, जैसे वोल्टेज में हम पावर जो है हम पावर देते हैं, तो पावर अगर कट हो गई तो स्विच ऑफ हो जाता है, पावर ऑन हो गई तो स्विच ऑन हो जाता है, तो ऑफ और ऑन का जो कंसेप्ट है, किसका, ऑफ और ऑन का जो कंसेप्ट है, दैट इज जीरो और वन, मतलब ऑफ होगा तो जीरो और ऑन होगा तो वन। ठीक है, और बाइनरी कैलकुलेशन आपकी कौन सी हो गई, जो कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सारी जो चीजें थी वो किसने दी थी भाई, ये
किसने दी? ये वाला काम किया जॉर्ज बुले ने। ये वाला काम किसने किया भाई? जॉर्ज बुले ने किया। गॉटफ्राइड लिबनीज ने हमें सिर्फ ये बताया कि जीरो और वन भी कुछ होता है। उसके बाद ये तो है कि अगर एक बार कोई चीज बन जाती है तो धीरे धीरे कोई दूसरा बंदा भी आता है जो ये देखता है कि भाई ये बना है तो मैं इससे कुछ बेटर करूं, इससे बेटर कुछ इन्वेंट करूं। तो 1854 में बाइनरी कैलकुलेशन किया, वोल्टेज का कंसेप्ट आया कि पावर दे, पावर ऑफ होती है तो जीरो आएगा, जीरो होगा। बटन हमारा सॉरी लाइट जब बटन सॉरी बल्ब जब हमारा ऑन होता है तो वन आएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें आई, ऑन और ऑफ का कंसेप्ट आया। ऑफ को आप जीरो कहोगे, ऑन को आप वन कहोगे, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आया और ये किसने दिया था? जॉर्ज बुले ने दिया था। यहां तक क्लियर है भाई? ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो है हमारा ग्रुप है ही, आप वहां पर पूछ सकते हो पेड ग्रुप पे, ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाने हैं भाई, बिना नोट्स के जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन सब के जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट दूंगी। जो मैं यहाँ पर एक एक चीज बता रही हूँ ये जो है आपको खुद लिखनी पड़ेगी, बिना लिखे आपका काम नहीं चलेगा, है ना। अब आ जाते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पे। अब भैया कंप्यूटर आया है तो कंप्यूटर का किसी ना किसी तरीके से डेवलपमेंट भी तो हुआ होगा, है ना। एकदम से तो जैसे ही अब मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही कंप्यूटर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। क्या आती है? कि कंप्यूटर बहुत स्लिम ट्रिम है, बहुत छोटे से है, अच्छी खासी मेमोरी होती है, अच्छी खासी स्टोरेज होती है जिसमें अच्छी खासी मूवी स्टोर कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, फ्रेंड से बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब पहले कुछ आया तो जब लोगों ने इसको इन्वेंट करना शुरू किया तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं थी, कुछ और चीजें थी, है ना। अब हम देख लेते हैं वही सारी चीजें ताकि जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको जो है एक ऐसे इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी जो है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, पूरा ध्यान आपका जो है बोर्ड पर होना चाहिए, एक एक लाइन एक एक पॉइंट पे ध्यान होना चाहिए ताकि जो है आप इसको एक भी चीज को मिस ना करो। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कहाँ से शुरुआत हुई आपके कंप्यूटर की? कहाँ से शुरुआत हुई भाई? नाम तो सबने सुना होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। 3000 BC यानी कि हमारे जो ईसा मसीह है उनके भी जन्म से पहले 3000 BC जो है आपको नाम सुना होगा अबेकस का। अबेकस आया, है ना। अब हमारा मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर है वो किस वर्ड से बना है? कंप्यूट से। किससे बना है? कंप्यूट से। तो ऑब्वियसली ये किस पर्पस के लिए था? कैलकुलेशन के लिए था। किसके लिए था? कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए बनाया था, इस तरीके से होता था, है ना। यहाँ पर ही इस तरीके से होता था ना, है ना। आजकल आप स्कूलों में देखते होंगे बच्चों को काउंटिंग वाउंटिंग इन सब चीजों के लिए करवाते हैं, है ना। अबेकस था जिसका पर्पस था किस लिए? कंप्यूटर यानी कि कैलकुलेशन करवाने के लिए। कैलकुलेशन करते थे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक का काम नहीं था, ये सारे मैकेनिकल थे, मतलब हम मैनुअली कर रहे हैं, सॉरी मैनुअली हम यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं दे रहे थे। तो किसने डेवलप करवाया था? कौन सी कंट्री थी? चाइना, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका 3000 BC में आपका अबेकस आया। वैसे ज्यादा आता नहीं है लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले आया था वो आपका अबेकस आया था। मेन पर्पस उसका कंप्यूटर था यानी कि गणना करना था, कैलकुलेशन करना था, और इस तरीके का था। अगर आपको जो है इसकी फोटो देखनी हो तो आप जो है गूगल सर्च करके वहां से देख सकते हो। और ये जो है किसने बनाया था भाई? हाँ, चाइना ने ही बनाया था। वैसे तो काफी सारी चीजें अपना चाइना ही बनाता है, है ना। उसके बाद जो है अब देखो बहुत लंबा टाइम चला गया अबेकस के बाद जो है काफी लंबे टाइम के बाद अब एक चीज इन्वेंट हो गई है, एक चीज बन गई है, तो उसके बाद जो है कुछ ना कुछ तो बाद में भी तो इन्वेंट होगा भाई। कोई ना कोई तो ऐसा संकी होगा ना जो ये सोचेगा कि भाई ये चीज बनी है तो इसका जो है कुछ और मैं बेहतर करूं, है ना। तो फिर आया आपका 1642। क्या आया? 1642 आया। और कौन थे आपके? ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या बनाया? पास्कल लाइन। और आपको ये तो पता ही होगा जो पहले जो हमारे साइंटिस्ट होते थे जो बनाते थे जो इन्वेंशन करते थे उन्हीं के नाम पर जो है उसका नाम होता था। और आज जो है आप इसको कैलकुलेटर भी कहते हो। इसको क्या कहते हो? कैलकुलेटर भी कहते हो, ठीक है। तो इन्होंने 1642 में ब्लेज पास्कल जी ने
क्या बनाया, पास्कल लाइन बनाई, और जिसको आज जो है आज आज के टाइम पे आप कैलकुलेटर कहते हो, तो इसके ऊपर जो है इस तरीके से गोल 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 चक्कर होते थे और उनके पी जो है नंबरिंग लिखी होती थी, ठीक है, उस पर फिर जो है उनको सेट किया जाता था। तो आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हो, लेकिन आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ब्लेस पास्कल जी ने पास्कल लाइन डेवलप की कब की, 1642 में, ठीक है। और ये कहाँ के थे भाई, फ्रांस के, कहाँ के थे, फ्रांस के, ठीक है। पहले वाला चाइना का था, चाइना ने बना दिया तो फ्रांस सोचा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना है, तो फ्रांस वाले ने जो है ये बनाया, ठीक है। अब आ जाओ भाई नंबर डेवलप हुआ, इन्वेंट हुआ, और किसने किया, गॉटफ्राइड ने। फिर से बता रही हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और 1671 के बाद 1854 में जो है इनका क्या बना था, कोई बताएगा, 1854 में, जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया होगा, 1854 में जो है बाइनरी कन्वर्जन हमने सीखा कि ये जो बाइनरी नंबर है वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी, कन्वर्जन देखा, जो कि हमने जो है डिजिटल के अंदर पढ़ा था कि बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल टू जो है ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो यही सारा जो कंसेप्ट है, वोल्टेज का जो कंसेप्ट है, ऑन ऑफ का जो कंसेप्ट है, वो आपका कौन लेकर आए थे, जॉर्ज बुले लेके आए थे 1854 में। ये सीक्वेंस में आ गया तो मैंने इसलिए फिर से आपको बता दिया। सबसे पहले आपका अबेकस आया, अबेकस के बाद आपकी पास्कल लाइन आई, ठीक है, उसके बाद जो है 1671 में आपके नंबर सिस्टम आ गए, ठीक है। अब देखो आगे, अब जो है अब क्या आया, 1890 आ गया, 1854 आ गया, आपका बाइनरी नंबर बन गया, क्योंकि बिना बाइनरी नंबर के आप कैसे काम करोगे, 0-1 के बिना तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो जब तक नंबर सिस्टम नहीं बनेगा तब तक जो है बहुत अच्छा कंप्यूटर नहीं हो सकता था। तो अब आ जाओ भाई 1890 पर, 1890 पर आ जाओ। अब आप सोच रहे होगे कि ये वाला जो कंप्यूटर है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ये वाला जो कंप्यूटर है वो किसने बनाया था, यूएस ने, दैट इज अमेरिका ने बनाया था, और ये किस पर्पज के लिए था, सेंसस के पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, सेंसस यानी कि जनगणना। अब हमारी जो जनगणना है, इंडिया की जो जनगणना है, तो आप देख सकते हो कि भाई इतनी सारी पॉपुलेशन है, और हर घर में जाके और सबके नाम लिखना, वो तो चलो अभी भी ये जो है लोग जो है घर घर जाते हैं पूछते हैं, लेकिन उन चीजों को कहीं पेजेस पे रखना, पेजेस पे रखना, उस गांव में इतने बंदे थे, फिर दूसरे गांव में इतने थे, फिर उतने थे, फिर इतने थे, ये सारी चीजें, और फिर उन सबको स्टोर करके रखना पेजेस पे, बहुत ही जो है पीएपी लगा लो, बहुत ही हैक्टिक वाला काम है, मतलब बहुत कई कई दिन क्या, बहुत महीने सालों लग जाए, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में हर गांव, हर कस्बे, हर लोग के पास जाके, क्योंकि आजकल तो डेटा सबका वैसे ही जो है डिजिटल हो गया है। तो जो हमारा 1890 में जो आया था कंप्यूटर, उसमें जो है वो किस पर्पज के लिए था, सेंसस के पर्पज के लिए था, किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया था। और पहली जो जनगणना थी, जो हमारी जो जो भारत में जो जनगणना थी, वो किसने स्टार्ट की थी भाई, रिपन ने, किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने। और इसने क्या बोला था, हर 10 साल में जो है वो जनगणना होगी, उससे पहले मेयो ने भी स्टार्ट की थी, लेकिन जो है रिबन ने, ये जो हमारे आज जो है 2011 में हुई थी, तो 2021 में होगी अपने इंडिया में। तो ये जो 10 साल वाला कंसेप्ट था ना, वो कौन लेके आया था, आपका रिबन लेके आया था, ठीक है। तो सेंसस यानी कि जो जनगणना वाला था वो किसने किया था, किसने किया भाई 1890 में यूएस में, किसने किया था, हर्मन हॉलरिथ, ठीक है, किसने किया, हर्मन हॉलरिथ ने किया था। और ये जो है सक्सेसफुल रहा था, और इसने जो है जो मतलब बहुत सालों, बहुत मतलब बहुत साल कह रही हूँ, बहुत महीनों का जो काम है वो बहुत जल्दी कर दिया था, है ना। तो ये जो है सक्सेसफुल था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंसस के ऊपर, तो आपका जो है पहला किसने किया था, हर्मन ने किया था, ठीक है, और कहां पर हुआ था, यूएस में।
और इसी ने जो है आपका आईबीएम का भी डेवलपमेंट किया था। किसका डेवलपमेंट किया था? आईबीएम का। आईबीएम आपने बहुत बड़ी कंपनी है, नाम भी सुना होगा, है ना। आईबीएम का डेवलपमेंट किया था और आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर है सबको? 1890 तक पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही साल बचे हैं, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पहला एनालिटिकल जो है कौन सा था, फिर जो है उसके बाद जो है आपका पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ये सारी कुछ चीजें जो है उनको देख लेते हैं, बस फिर क्लास को जो है बाइंड अप करेंगे, ठीक है। फिर जो है आपका कंप्यूटर की जो है जनरेशन रह जाएंगी, पीढ़ियां रह जाएंगी, पहले में क्या यूज हुआ, सेकंड में क्या हुआ, वो जो है नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन आपको कंप्यूटर का जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये क्या पूछ लिया, मतलब है तो देखा देखा जाना जाना सा, लेकिन क्या आंसर होगा वो मुझे नहीं पता, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ भाई, अब 1900 में घुस जाते हैं, अब 1900 में घुसेंगे, है ना। वैसे हमने एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन देख लिया है 1822 1837, है ना, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। जो बेबेज ने किए थे वो मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि वो हम कर चुके हैं, लेडी अगस्ता वाला हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारे जो है 1890 के बाद जो 1900 स्टार्ट हुआ है वो वाले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो 1937 और 1944 में आपका जो है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना। 1937 और 1944 के बीच में आपका जो फर्स्ट है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर बना, ठीक है। क्या बना? फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। अब इसका क्या काम था, इसका क्या काम हुआ भाई? इसने क्या किया था, ये इसका जो नाम था वो था मार्क वन। क्या था? मार्क वन। तो क्वेश्चन आ जाए कि मार्क वन जो है वो किस पे बेस्ड था? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, कहां पर बना? हूवर्ड यूनिवर्सिटी। कहां पर बना? हूवर्ड यूनिवर्सिटी में बना, ठीक है। और इसका नाम क्या था भाई? मार्क वन, ठीक है। और ये किसके लिए था? सिक्वेंशियल कंट्रोल सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो भैया ये जो है यूएस में ही हुआ था, ये हूवर्ड यूनिवर्सिटी मार्क वन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था आपका, ठीक है। 1937 और 1944 के बीच में इसका जो है डेवलपमेंट हुआ था। नाम इसका यहाँ पर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, दो तीन लोग हो तो फिर भी जो है नाम आ जाता है, लेकिन जब कम्युनिटी में मतलब बहुत सारे जो लोग मिलकर बनाते हैं तो वहां पर जो है स्पेसिफिक नाम नहीं होता। बस क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा वो यही आएगा कि मार्क वन जो है वो किस लिए था, तो आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखो अब क्वेश्चन यह आ सकता है कि पहली बार बाइनरी नंबर का यूज कहां पर हुआ, है ना। तो अभी बाइनरी नंबर बन गए हैं, अब बाइनरी नंबर को यूज कौन करेगा? अब बाइनरी नंबर बने, है ना, बाइनरी नंबर बने 1854 में बनके तैयार हो गए हैं। अब बाइनरी नंबर को यूज कौन करेगा भाई? तो 1938 में जर्मनी में, कहां पर? जर्मनी के अंदर आपका कंप्यूटर कौन सा बना? Z1। कौन सा कंप्यूटर बना? Z1। और इसको बनाया किसने, मतलब इस Z1 कंप्यूटर को जो बनाने वाला व्यक्ति था वो जर्मनी का नहीं था, वो कहां का था? अमेरिका का। कहां का था भाई? अमेरिका का व्यक्ति था, लेकिन बनाया कहां पर? जर्मनी पर। नाम क्या हुआ? Z1। और इसमें पहली बार आपका क्या यूज किया गया? बाइनरी नंबर। क्या यूज किया गया? बाइनरी नंबर यूज किया गया, दैट इज 01 का यूज किया गया। क्या यूज किया गया? बाइनरी नंबर, दैट इज 01 का। और किसने डेवलप किया था? कोनार्ड जूज ने, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भाई, बाइनरी नंबर का फर्स्ट टाइम कहां पर जो है यूज किया गया? Z1 में यूज किया गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल फर्स्ट मार्क वन, ठीक है। 1938 में जर्मनी ने बनाया, ठीक है। अब वही है कि भैया जर्मनी वालों ने बना दिया, और जर्मनी वाले ने नहीं बनाया, अमेरिका ने बनाया, लेकिन बनाया कहां पर? जो है जर्मनी में। अब अमेरिका वालों को तो खुंदसानी है, अमेरिका वाले तो वैसे ही बहुत वो होते हैं, है ना। तो अब उनको लगा कि हमारा बंदा जो है जर्मनी जाकर बना सकता है, तो हमारे यहाँ वाले बंदे क्यों नहीं बना सकते। तो उन्होंने भी जो है 1838 में ही उन्होंने क्या बनाया, कौन सा कंप्यूटर बनाया भाई?
किसी को याद हो तो, अगर कोई जो है जनरेशन किसी ने पढ़ा हो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर तो उसको पता होगा, अमेरिका में ही 1938 में आपका एक कंप्यूटर बना, कौन सा? एबीसी बना। एबीसी सुना है? बहुत बच्चों ने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, है ना। तो ये बनाया था आपका एटोन सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ठीक है। इनों के, इन दोनों के नाम पे ही जो है इसका नाम पड़ा था। दो बंदों ने बनाया था, एटोनसॉफ और बेरी ने बनाया था, और इसका जो नाम है वो एटोनसॉफ बेरी कंप्यूटर बना, ठीक है। ठीक है, एटोनसॉफ बेरी कंप्यूटर 1938 में ही एबीसी नाम का बना। कहां पर बना? यूएस में। क्यों? क्योंकि जर्मनी में जो है यूएस वाले बंदे ने बना दिया, तो इनकी तो होनी ही थी कि भाई हमारा बंदा वहां जाके बना रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है कौन सा कंप्यूटर बनाया? एबीसी कंप्यूटर बनाया। और ये जो है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, और जिसके अंदर जो है पूरी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज किया गया था। क्या था ये आपका? क्यों आप इसको याद रखोगे? फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसमें जो है पूरी तरीके से, जिसमें क्या, पूरी तरीके से बाइनरी नंबर को यूज किया गया था, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया था। क्लियर है भाई? इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार जो है इसका नाम भी आ जाता है, बिल्कुल इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, और जो है आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखो भाई, बस कुछ ही रह गए हैं। अब देखो, जर्मनी ने बना दिया, अमेरिका ने बना दिया। अब देखो उस टाइम पे तो 1900 पहले तो जो है सब जगह किसका राज चल रहा था भाई? इंग्लैंड वालों का, है ना। इंग्लैंड वालों का राज चल रहा था, और इंग्लैंड वालों को खुद को वो किसी से कम समझते नहीं थे। तो अब आ जाते हैं इंग्लैंड के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं? इंग्लैंड के ऊपर। तो इंग्लैंड में 1943 में क्या? कोलोजन, है ना। कोलोजन नाम का, कोलोसस नाम का जो है कंप्यूटर बना। क्योंकि अब इंग्लैंड वालों को भी ये लग रहा है हम सब पे राज कर रहे हैं, बना कोई और ही रहा, है ना। तो इंग्लैंड वालों ने 1943 में कोलोसस नाम का बनाया, और इसका जो काम था, अब भैया वो बड़े शातिर लोग थे, उस शातिर जो है उनको, वैसे तो वो इतने कम थे, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग होगा ही। तो इन्होंने जो ये कंप्यूटर बनाया था ना, वो कंप्यूटर भी कुछ इसी तरीके का था। कंप्यूटर जो था वो सीक्रेट कोड को क्रैक करने के लिए था, है ना। जो लोग कोड लगा देते हैं, जो लोग कोड वर्ड में बात करते हैं, कहीं ना कहीं कोड होता है। आज आर्मी में, डिफेंस में ये जो है कोडिंग यूज की जाती है, ताकि जो है जो प्लान होते हैं, जो एग्जीक्यूशन करने वाले, तो वो जो है वो क्या हो, वो किसी और को ना बता सके, क्योंकि गद्दार बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया वो किस पर्पज के लिए था भाई? सीक्रेट कोड को क्रैक करने के लिए, है ना। आप लोगों ने देखा है ना कि हमारी जो स्क्रीन होती है, वैसे भी कंप्यूटर में 0101 की फॉर्म में रहता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन जो ये पहले काम करते हैं ना, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि क्या लिखा है कोड वर्ड में, क्या चीजें हैं, किस तरीके से इसको क्रैक करें, किस तरीके से इसको हैक करें, ठीक है। तो जो है सीक्रेट कोड को क्रैक करने के लिए जो है इंग्लैंड ने बनाया था कोलोसस नाम का 1943 में। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखो, इसमें भी जो कोडिंग यूज की गई थी वो बाइनरी नंबर की गई थी, क्योंकि अभी हम बाइनरी शुरू कर चुके हैं, तो अब से सब जगह जो है बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज होगा आपका, ठीक है। अब आगे देखो भाई, 1906 आ जाओ, अब आ जाओ 1906 में। अब मैं 1906 क्यों बता रही हूँ वो देख लो। 1906 में जो है आपकी वैक्यूम ट्यूब बन गई थी, वैक्यूम ट्यूब आ गई थी, और वैक्यूम ट्यूब को जो है आपने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया था। अब वैक्यूम ट्यूब जो थी, जैसे हमारा बल्ब होता है ना, बल्ब कई देर जलता है, पहले जो है वैसे बल्ब आते थे जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कंज्यूम करते थे, फिर आपकी सीएफएल आ गई, फिर एलईडी, है ना। तो जो है धीरे धीरे जो कंज्यूमिंग है बल्ब की वो कम होती गई, है ना। तो ऐसे ही जो है वैक्यूम ट्यूब का जो कंसेप्ट आया था, तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी उसको करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हीट बहुत जल्दी हो जाती थी,
ऐसे जैसे बल्ब है आपका कि बहुत देर से जल रहा है, तो आप एकदम से उसको हाथ लगा दो, कभी आपने देखा होगा, लगाया अगर लगाया है तो आपको पता होगा कि जब बहुत देर से बल्ब जल रहा है और आप उसको हाथ लगा दो तो वो बहुत गर्म होता है। ऐसे ही जो आपकी वैक्यूम ट्यूब है वो बहुत जल्दी हीट हो जाती थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब जो है आप देख सकते हो, गूगल करके देख लेना कि किस तरीके की दिखती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैक्यूम ट्यूब होती है 1906 में आई थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब हम पढ़ेंगे पूरा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब जो पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो बिजली से पहला जब कंप्यूटर चला था तो उसके अंदर आपका वैक्यूम ट्यूब ही यूज किया गया था, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ये वाली चीज। तो ये जो था वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, हीट यानी कि बहुत जल्दी गर्म हो रहा था। और उसके बाद जो है इसको किसने डेवलप इन्वेंट किया था भाई वैक्यूम ट्यूब को, लीडे फ्रोस्ट ने, ठीक है। तो इन्वेंट किसने करवाया था वैक्यूम ट्यूब को, लीडे फ्रोस्ट ने करवाया था। इसकी जो मेन डिसएडवांटेज थी, तो जो पहले वाले कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन पे अभी आए नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपके वैक्यूम ट्यूब की, तो सिर्फ वैक्यूम ट्यूब की बात कर रही हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही थी और हीट जो है वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि बहुत जल्दी गर्म हो रही थी। किसने इन्वेंट किया था, लीडे फ्रोस्ट ने किया था, कब किया था, 1906 में। अगर वैक्यूम ट्यूब का पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ अपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि इतना कुछ पढ़ लिया है भैया। पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर भी तो देखो कौन सा पहला जो ऐसा कंप्यूटर था जो बिजली से चला था। हाँ जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका था 1946 में। कब बना था, 1946 में बना था। किसने बनाया था, जॉन मैकॉले, स्पेलिंग देख लेना भाई। और किसने बनाया था, जे प्रिस्पर एकार्ट, ठीक है। इन दोनों ने डेवलप करवाया था, क्या था ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नोट डाउन करते चलो, हार्डली जो है 3-4 पेज भरेंगे आपके, ज्यादा नहीं भरेंगे। और आप उससे भी ज्यादा क्रिप्स नोट बनाना चाहते हो तो 2 पेज में आपका पूरा जो इतना भी मैंने करवाया है वो सिमट जाएगा, ठीक है। तो अब जो है 1946 पे पहुंच चुके हैं, 1946 पे आपका 1946 में जाके आपका पहला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, और जिसका नाम क्या था भाई, इनेक। नाम क्या था, इनेक। इनेक की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, कोई बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका कौन सा है भाई, इनेक है। कौन सा है भाई, इनेक। नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, क्लियर है भाई। अब आ जाओ भाई, लास्ट है आपका, बस आज की अपनी क्लास जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जनरेशन क्या थी, किस तरीके से जनरेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर जो है आपका हम फिर जो है अपना जो थोड़ा सा लेवल है उसको हाई करेंगे। ये आपका बेसिक था, क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं जो है इसको इतना ज्यादा डिटेल में करवा रही हूँ। हाँ जी, अब आ जाओ 1951 पे। 1951 में आपका जॉन नोन न्यूमान, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया था भाई, एडसेक को। कौन सा किया था, एडसेक। वैसे तो इतना ज्यादा ये पूछा नहीं जाता, यहाँ पर जो है एडवेक का एडसेक जो बोल सकते हो आप, ठीक है। ये जो है यहाँ पर हम इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे जो है हमने क्या बनाया था, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसी के बेस पर हमने पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था, क्वेश्चन आ जाता है, उसका नाम है यूनिवैक वन। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, नाम है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वेश्चन आ जाता है पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, वर्ल्ड का कौन सा है। तो इंडिया का जो पहला कंप्यूटर वो कौन सा है भाई, सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000। और वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कौन सा है भाई, आपका सीडीसी 6600, है ना। तो ये सारे कंप्यूटर है और क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको जो है नॉर्मल पता होना चाहिए। वैसे आप जब
सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाओगे ना तो आपको ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहला जो है मेन फ्रेम, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था, ये जो है बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। लाइक जो है अगर आपको पूरी यूनिवर्सिटी का डेटा कहीं स्टोर करना है या फिर पूरे रेलवे का, रेलवे कितनी बड़ी है, रेलवे जो है कितनी सारी ट्रेनें हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर से लेके फिर जो है चेन्नई, असम, गुवाहाटी, फिर उसके बाद जो है मिजोरम, मणिपुर, मतलब इधर से उधर कितनी सारी ट्रेनें हैं जो डेली जो है चलती हैं, उनका जो डेटा है कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, उसके स्टोर के लिए आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हो बड़े बड़े डेटा को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। तो वो जो एडसन के बेस पे ही जो है आपका पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बना था और जिसका नाम था यूनिवैक, और जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगी भाई, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, ये पूरी हमने ये डेवलपमेंट देख ली कंप्यूटर की, कंप्यूटर कहां से आया, किस तरीके से जो है हमने उसको डिवाइड किया है, एंड हार्डवेयर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, और उसके बाद जो है हमने पूरा जो है आपकी डेवलपमेंट देख लिया। अब पहुंच चुके हैं हम बिल्कुल 1951 पे, यानी कि हम अपने फर्स्ट जनरेशन पर आ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जनरेशन देखेंगे, पीढ़ियां देखेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है, जैसे हमारी होती हैं दादा परदादा ये वो, फिर हमारे बच्चे, इस तरीके से जो है ऐसे ही कंप्यूटर की भी जो है पीढ़ियां आएंगी, और पीढ़ियों को हम अच्छे से देखेंगे कि पहले क्या था, बाद में क्या बना। जैसे पहले पहले लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, है ना, बहुत ज्यादा जमीन होती थी और बड़े बड़े घर होते थे गाँव में। अब क्या है, धीरे धीरे जनरेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, दर बाय दर जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, मतलब जैसे जैसे पीढ़ियां आ रही है, वैसे लोगों के पास जो है घर, जमीन जो है वो आधी से आधी, आधी से आधी, आधी से आधी ऐसी होती जा रही है। जैसे पहले वाले कंप्यूटर थे बड़े 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 कमरों में रहते थे, धीरे धीरे जो है वो इतने से हो गए हैं, अब धीरे धीरे घर भी ऐसे होते जा रहे हैं। अगर मैं इसका रियल लाइफ का एग्जांपल लूं कि पहले जो है घर बड़े बड़े होते थे, जैसे कंप्यूटर बड़ा बड़ा था, लोग जो है गांव में छुट्टियां मनाने या फिर कुछ इस तरीके से सोच के जाते थे, बहुत कुछ होता था, है ना। अब जो है कहीं पर भी जो है लोगों के पास इतनी जमीन नहीं रह गई है, सबके पास इतने 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 मकान हो गए हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर का हाल है, पहले बड़ा था अब बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गया है, और लेकिन जो है इन केस ऑफ उसके बहुत मिसमैच है ना। लेकिन जो है आप इस तरीके से जो इसको कंक्लूड कर सकते हो अपने रियल लाइफ में, क्योंकि चीजों को जब तक आप रियल में अपने साथ इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, जब तक आप कंप्यूटर को मतलब मजे से नहीं पढ़ोगे, खुद के साथ जैसे कहते हैं एंजॉय करके, मतलब जैसे आप ये जोड़ के पढ़ो कि पहले ऐसा था, हमारे साथ भी ऐसे होता था, अब ऐसे आ रहा है, अब ऐसे आ रहा है, तो मतलब आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको एक एक दिलचस्पी, मतलब एक इंटरेस्ट बन जाएगा, जिसको जो है आपको मेरी क्लास का वेट रहेगा कि मैम की नेक्स्ट क्लास कब आएगी, ताकि हम कुछ और सीखें, कुछ नया सीखें, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। जैसे हम पहले कहानी सुनते थे अपनी दादियों से, तो हमें ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन अब जो है इतनी सारी जो है वेब सीरीज स्टार्ट हो गई, इतनी सारी मूवीज आ गई हैं, इतने सारे सीरियल हो गए हैं, तो मतलब वो वाली जो चीजें हैं, वो वाले जो मजे हैं, मतलब वो चीजें कहीं ना कहीं कट ऑफ होती जा रही हैं, है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर के साथ भी है, ऐसे ही डिजिटल, पूरा डिजिटल इतना होता जा रहा है, तो आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन क्लास जो है लंबी लंबी होगी तभी जो है हम 30 दिनों में बिल्कुल डिटेल से सिलेबस को कवरअप कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोर्स लेना है तो जो है आप मेरे जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे जो है डिटेल पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है फ्री में इतना है, आपको जरूरत नहीं है, है ना। अगर किसी को है, किसी को लगता है कि हमें कंप्यूटर बिल्कुल बिल्कुल पास से देखना है, पास से समझना है, तो बिल्कुल जो है मेरे फुल कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, लगी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ आ सके। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।